और उमर बेटा और किधर थक गया। अच्छा चलाओ फिर उधर बैठते हैं। आ जाओ उधर बैठते हैं जा। उमर बेटा अब मेरा इरादा बन रहा है कि आपको ना स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। आप बेटा मैं आपको ना स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। नहीं बेटा स्कूल में जाते हैं जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको अक्ल और शऊर आता है, इल्म हासिल करने से अक्ल और शऊर आता है। ओके और जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बड़े होके बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ा इंसान बनते हैं, इल्म हासिल करने से सारे काम इंसान कर सकते हैं। ठीक है जैसे आप बोलते हो बाबा मैंने वो बिल्डिंग बनानी है बड़े होके, जब आप इल्म हासिल नहीं करोगे स्कूल नहीं जाओगे स्टडी नहीं करोगे फिर ये कैसे ये बिल्डिंग बनाओगे। आप कह रहे थे ना बाबा वो वाली बिल्डिंग मैंने बनानी है, ऐसी बिल्डिंग मैं खरीदूंगा। जो भी करना है ना उससे पहले आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है स्टडी करनी पड़ेगी। जाओगे बेटा स्कूल? नहीं नहीं जाना। चलो तो बेटा ना जाना फिर देखना, ऐसे रहोगे आप, आपके जो दोस्त होंगे वो आगे चले जाएंगे, ठीक है वो बड़े बड़े इंसान बड़े बड़े काम करेंगे और आप कुछ भी नहीं करोगे। जो बच्चे नहीं स्कूल जाते हैं ना वो ऐसे आवारे रहते हैं, जाहिल होते हैं जो स्कूल के। नहीं मुझे कहना जाए बंद क्यों हुआ? वो क्या लिखा हुआ है उधर? वो क्या लिखा हुआ है बेटा? वो बेटा लिखा हुआ है नो एंट्री, इसका मतलब है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, यही पढ़े और अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क होता है। बेटा अगर आप पढ़े लिखे होते ना तो आपने उधर से पढ़ लेना था कि नो एंट्री। जो बच्चे स्कूल ही ना जाते फिर उनको नहीं पता चलता कि क्या लिखा हुआ, क्योंकि उनको पढ़ने ही नहीं आता। जाओगे स्कूल में? हाँ शाबाश, क्योंकि जो बच्चे नहीं ना पढ़ते फिर उनको कुछ पढ़ना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता। ओके।